Congratulations and celebration. कैटरीनी बेटा मर्डर कर रही है. वेरी गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग. अभी बज रहे सुबह के 10:30. आज संडे तो हम लोग थोड़ा लेट उठे, तो चलो घर में कौन कौन क्या क्या कर रहा है देखते हैं. अरे भाई ये क्या कपड़े क्यों फेंक रहे हैं ऐसे, इतना क्या चल रहा है? कबर क्लीन कर रही हूँ मैं तुम्हारा. अरे मेरा क्लीन रहता है पर बहुत बार. अभी ये है तुम्हारे संगीत में बिल्कुल ऐसे कपड़े ऐसे ऐसे करके रखे हुए थे. चल मैंने अभी कितना सिस्टमैटिक रखा हुआ है, बता. बिल्कुल ऐसे ही रखना है अभी आप. ओ वाह, थैंक यू. अरे सच में अच्छा है, लेकिन इस बार बहुत. अरे इस टाइम वो बहुत गड़बड़ थी ना, इसलिए खराब हो गया था. बहुत गड़बड़ कर दी थी कबर की. और ये सब ये इतना ये सब धोने डालने हैं, ये सब बेड के अंदर. अभी ये सब बेड में मतलब इंटर कलेक्शन है, इसको भी बेड में डालना. हाँ ये सब अभी तो मैं पहनने नहीं वाला हूँ, क्योंकि सब ठंडी के ड्रेस अभी घर में स्टार्ट हो जाएगी. तो चल थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग, आज संडे है. आज संडे, पर हमारा संडे भी हमेशा मंडे की तरह ही होता है, बिकॉज़ नायरा कभी ठीक से सोने ही नहीं देती सुबह सुबह. मैं सोया हुआ. डायरेक्ट लात मारती है वो. डायरेक्ट बोलती है उठो उठो, क्योंकि जल्दी सो जाती है ना वो जल्दी उठ जाती है. चलो अभी सब लोग बाकी लोग क्या कर रहे देखते घर में, किधर है कौन कौन दिख रहा है, क्या कौन दिख रहा है क्या. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे दोनों आज, मम्मी और तू तो मैचिंग लग रहे हैं. नायरा बोलता गुड मॉर्निंग. तुम क्या कर रहे हो, काम बढ़ा रहे हो या नहीं? बरबर नायरा कल कहाँ गए थे अपन? मलकापुर. ये तो मेरे मामा के गांव है. तुझे कैसे पता है मलकापुर कब सुना तू? शादी में गए थे. शादी में गए थे, क्या खाया फिर शादी में जाते? सो तो गई थी तू. कुल्फी खाई. कुल्फी. सबसे प्यारा कौन है? कौन है? अभी मूड नहीं, जिस टाइम मूड रहा तो हम लोग वीडियो निकाल लेंगे. कल तो पूरे कार में हम वही खुद ही गाना बोल रहे थे. शिवानी जी यहाँ पे मस्त एकदम एडिटिंग कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग चांदनी जी. गुड मॉर्निंग. नींद होगी अच्छे से? और देखो यहाँ पे ना कुछ तो भी खतरनाक कहा जा रहा है. शॉप शॉप शॉप. ओके बाय पापा. बाय बेटा बाय. यहाँ कुछ अच्छा आवाज आ रहा है. क्या हुआ? ये देखो इसने फिर से ये सब बुक्स अपने क्लिनिक पे रखने के लिए. जाना है ना क्लिनिक लेके जाना. ये मेरे बुक्स है, इसमें से मैंने पढ़ाई की है. अच्छा नायरा चल आ जा. तो मुझे क्या मिला? क्या मिला? ओ अपने शादी का है ना ये? हमारी शादी का मैगजीन है. हाँ ये देखो गाइस, इसमें हमारी पूरी लव स्टोरी, हम लोग कैसे मिले एंड ऑल, ये सब चीजें इसमें है. शिवानी ये देख. और ये इसमें क्या इसको बैठना है क्या नायरा को? ये देखो ये बदमाश को इसमें बैठना है. आ जाओ. कैसे बैठ गए? हाँ चलो बॉक्स बंद करो बॉक्स को. कैसा लगा? बहुत मस्त है नायरा. क्या ये स्टोरी राइटर जो थे ना हमारे, ये मोंटी भी आते हैं और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनके एडिटर ने वो किया था. ये सब कुछ स्टोरी मोंटी ने बताई है. वाह यार, मोंटी का दिमाग वैसे बहुत चलता है सब चीजों में. अभी इसको है ना पूरे घर में ऐसे ही घूमना है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है. नायरा को ऐसे मजा आ रही है. बॉक्स में बंद कर दिया, ये तो गिफ्ट है हमको. इतना प्याला गिफ्ट है. ये बॉक्स निकाला था इसलिए क्योंकि पूजा के सब पढ़ाई की जो भी किताबें हैं वो हमें क्लिनिक पे लेके जाना था, पर मैडम मान ही नहीं रही है. बैठ जाओ, पूरा अच्छे से खेल लो, उसके बाद जाते हैं हम लोग. अभी आपको पता है पूरे घर में ना ये घूम रही है और सबको डरा रही है. ओ डर गया मैं, डर गया. नायरा ओ डर गए सब. अरे नायरा ये तो मैं ब्राइड के सिस्टर है उनका, हम लोग डांस सेट कर रहे हैं तो वो डांस सेट कर लेते हैं फटाफट. नायरा उधर डॉगी बेटा अंदर आ जा. कितने मस्त फूल आ गए ना. चलो अभी मैंने बाहर जो मैंने झाड़ लगाया ना उसको भी पानी दे के आता हूँ. झाड़ों को पानी मार दिया अभी हम लोगों ने. और देखो अभी कुणाल क्या कर रहा है, बताया कि ब्लॉग चेक कर रहा है कि कैसे बनाए, ब्लॉग पूरा चेक कर रहा है. और शिवानी
नायरा को खाना खिला रही है। क्या कर रही है तू श्रीखंड? चाची ने इतना प्यार से खाना खिलाया तो तूने चाची को थैंक यू बोला? देखो पानी भी लाया, मुंह का खा पे अंदर। थैंक यू बोलना चाची को। थैंक यू। तो अभी मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और अभी बज रहे 1 दोपहर के 1। अभी मैं खाना खाऊंगा और डांस क्लास जाऊंगा। उसके पहले है ना मैंने डांस क्लास के हमारे टीम वाले ग्रुप पे है ना, मतलब जितने भी ट्रेनर है उनके इस पे सबको इनविटेशन दे दिया है। आज रात को है ना हमारे घर पे क्लास के सभी ट्रेनर आने वाले, क्योंकि वो लोग यार इतना मेहनत करते तो हम लोगों ने सोचा एक छोटा सा उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करें। तो अभी शाम में हम लोग क्लास से आने के बाद वो लोग भी सभी ट्रेनर आ जाएंगे और शाम में हम लोग उनके लिए यहाँ पे खाना रखेंगे, उनको गिफ्ट देंगे, उनका वेलकम करेंगे, क्योंकि वो लोग इतनी मेहनत करते हैं ग्लैडिएटर को ऊपर लाने के लिए। तो हमारा भी काम बनता है उनके लिए एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करें। भाभी मटर छिल रही, मम्मी आलू कर रही हैं और मैं इधर गाजर और ये सब कर रही हूँ, क्योंकि आज बन रही है पाव भाजी स्पेशल। ग्रैंड पाव भाजी, ग्रैंड पाव भाजी, बिकॉज बहुत सारी पाव भाजी बनेगी, बिकॉज सभी ट्रेनर्स को हमने घर पे बुलाया ना खाना खाने के लिए। सभी लोग बहुत मेहनत उठाते हैं, कोई भी इवेंट हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी को शादी का डांस सिखाना हो, बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो इसलिए आज हम लोगों ने सोचा था कि उनको रिलैक्सेशन देंगे थोड़ा। और इसको देखो कि इसकी नींद खुल गई है और अब देखो कितने आलसी ले रही है। देखो गाइस अभी हमारी महा ग्रैंड पाव भाजी जो बन रही है उसमें हमें लगने वाला था लहसुन, और लहसुन जो है शिवानी ने 2 मिनट पहले फ्रिज से निकाला, उसके बाद उसने कहाँ रखा उसको खुद को याद नहीं, और कहाँ रखा मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस ये हमारा लहसुन का डब्बा है, ये वाला जो कि रहता है फ्रिज के अंदर, और मैडम ने उसे कहाँ रखा था बताओ? और हम लोग पूरा किचन ढूंढ रहे कि लहसुन का डब्बा, और पता है मेरा नायरा पे भी शक किया है इस चीज़ के लिए कि नायरा ने तो नहीं ले लिया, बेचारी मेरी नायरा है ना बेटा। हाँ कर रही है वो भी। नायरा डांस करके दिखाओ कैसे कर रहे हो। मैंने मसाला बना के बिल्कुल रेडी कर चुकी हूँ, देख सकते हो आप इतनी बड़ी कढ़ाई है ये, और इसमें भी सब्जियाँ अप्रोक्स हो चुकी है, बस इसकी सीटी निकल जाए और मैं अब थोड़ा किचन अवेल लूँ। इसके बाद हमको डेकोरेशन पे ध्यान देना है, तो फिर मैं और भाभी जाने वाले हैं बाहर डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, और फिर मैं बताती हूँ हम डेकोरेशन कैसे करने वाले हैं, बच्चों के लिए क्या क्या सरप्राइज भी रखा है हमने। आओ बलून फुगाने, भाभी एक से बढ़कर एक जगह लगा रही है बलून। घड़ी बेचारी घड़ी बोले मैं उठ जाऊंगी। अरे हमको टेप भी लगाने हैं इसीलिए। और यहाँ देखो ये पाव भाजी रेडी हो चुकी है और हमारी बलून की डेकोरेशन भी हो गई है, और यहाँ देखो ये भाभी ने पूरा डेकोरेट कर दिया है। देख नायरा कैसी लगी लॉलीपॉप? नायरा नहीं मेरे को दो, मैं फेंकाऊंगी। तो ये डायरेक्ट जवाब भी नहीं देती, देखो देखो डायरेक्ट वो डस्टबिन में फेंकने गई है, कितनी समझदार है हमारी चिटंगी। कैसे लगा लॉलीपॉप नायरा? अच्छा अच्छा लगा। और होना क्या? हाँ। कल लेके आऊंगी। हाँ अभी हम यहाँ पे आ गए मार्केट एंड बस 1 घंटे में सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, और अभी हम ले रहे हैं पाव की लादी, और उसके बाद केक बाकी है, और अपने को क्या लेना है कोल्ड ड्रिंक और रोज ले। और ये रही हमारी पाव की लादियाँ, केक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो अभी हम लोग आए डांस क्लास, और डांस क्लास पे संगीत के प्रोग्राम का रिहर्सल चल रहा है। कैसे हो सभी लोग? 14 को हमारा संगीत है, और ये देखो एनुअल फंक्शन का अभी तक बैकड्रॉप निकला नहीं है, कल परसों हम लोग निकाल लेंगे। और आज सब ट्रेनर को पार्टी है, तो हैप्पी हैप्पी ट्रेनर, हैप्पी हैप्पी हैं हैं हैं। और कुणाल और मोहन देखो अंदर ही है, धनश्री भी अंदर है, रिद्धि अपने काम से कुछ फ़ोन पर बात कर रही है। 7:35 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग आधा घंटा ये लोग संगीत का रिहर्सल करेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और देखो दोस्तों ऐसे हम लोग की ना लिस्ट भी बनती है संगीत की, कि परफॉर्मेंस कौन रहेगा, कॉस्ट्यूम क्या रहेगा, प्रॉप्स क्या है, देखो देखो लिखो मतलब कोल्ड पायरो वगैरह क्या क्या है, तो ऐसे हमारी संगीत की लिस्ट भी होती है। कुणाल का सब काम ख़त्म, अभी मैं घर पे आता हूँ तैयारी कर लेता हूँ थोड़ी। तो आप सबका हमारे घर में स्वागत है, आइए खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, चलो मिलते हैं घर पे।
और भाभी और मैं रेडी हो चुके हैं, हम दोनों कुछ ज्यादा ही रेडी हो चुके हैं, बट ठीक है क्योंकि ये चीज़ें हम पहनने में कभी आती नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि आज ही इसका थोड़ा शुभ मुहूर्त किया जाए। और नायरा को देखो यहाँ पे, कैसे लग रहे नायरा? हाँ। मैया और चाची कैसे लग रहे? जोर से बोल। अच्छे। और हमारी एक असिस्टेंट आ चुकी है। हाय। देखो भाई पाव भाजी हमारी बन गई है, इतनी बड़ी कढ़ाई है कि दो बर्नर को लेके बैठी है। और ये देखो ये केक्स लेकर आए हम। और मम्मी भी यहाँ पर रेडी। गौरी आ गई है? हाँ। गौरी फर्स्ट। मैं जल्दी रेडी हो जाऊँ। बाबरे बाप, फुग्गे वगैरह। फिर पार्टी है ना? वाह वाह, मस्त दिख रहा हो, क्या बात। तो अभी हम लोग है ना सभी लोग घर पर जाने वाले थे, बट बात ऐसी हुई कुणाल है ना चाबी है ना कार के लेके चला गया और मेरे पास कुछ जाने के लिए यहाँ से कुछ है ही नहीं। तो फिर अभी हम लोग सब लोग देखो बैठे ही क्लास बंद करने आ गए थे और फिर पता चला कार की चाबी नहीं मिल रही। फिर कुणाल को फ़ोन लगाया तो कुणाल बोले मैं लेके गया हूँ। तो अभी कुणाल फिर से घर से आ रहा है, फिर हम लोग कार में फिर से अभी घर पर जाएंगे। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी नया नया लग रहा है। हाय गौरी, वेलकम, कैसी तू? सुजाता भी है ना? ओए हमारा शेनी वाला है। मैं कौन हूं? बट अरे तो इधर से ब्लॉग। वाह भाई वाह, तुम लोग एक्साइटेड नहीं ना उतने? हम लोग एक्साइटेड है पता है, पार्टी को लेकर नहीं लग रहे। हां ना, आइए प्लीज, वेलकम। थैंक यू। आइए, लाइट आ रहा है? लाइट आ रहा है क्या? चाबी कब से रुकी है तुम लोगों के लिए? अंदर भी फूल अच्छे नहीं दिखे, अगर फूल खराब भी आया तो बोलना मत। भाभी ने जानबूझ के ऐसा फूल दिया। सुरेश जी आइए, प्लीज वेलकम। मोहन का है, इसको कुछ फूल वूल देने की जरूरत नहीं है। हमारी अनमोल प्रिंसेस ऐसी आ रही है। उसका उसका जान दो, कोई वैल्यू नहीं रहा। बच्चे को भी था ना, छोटा सा कौन है? ये कौन है? सबको हाय तो बोलते हैं। कैसे हो आप? कैसे हो आप? ठीक है। मोहन जी भी आए। मोहन जी प्लीज आइए, वेलकम। थैंक यू। आइए आइए। अरे भैया कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तुम लोग? मतलब हमने सब मेरे से साढ़े तीन चार। कुछ भी नहीं होता, मैंने भी खुद लिया है। अरे कोक है वो, ठंडे से कुछ नहीं होता है। नहीं वो चाय भी नहीं हाफ नहीं करते उसका। सच में यही चीजें हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। मेरे को लगा सिर्फ घर पे बुला के पाव भाजी खानी है। और एक केक भी आ चुका है। और ये सब ट्रेनर्स काटे गए। ट्रेनर्स हैप्पी बर्थडे ग्लैडिएटर। हैप्पी बर्थडे ग्लैडिएटर। तालियां तालियां। सेलिब्रेशन। हाँ तुझे ही तातो तातो तेज तातो। अरे बाप रे, तू काट रही नहीं बेटा, मर्डर कर रही है। तो अभी मैं आपको सभी ट्रेनर्स के नाम बताता हूँ एक एक करके। मैं बताऊँ, ये है मोहन, ये है सुरेश, ये है रिद्धि, ये है धनश्री, ये कौन है, ये चांदनी, ये है गौरी, ये है सुजाता, ये है अखिल सर, और ये मैं शिवानी को पानी। और अभी भी तीन चार लोग नहीं है इसमें, मतलब मनस भी मिसिंग है सबसे पहले तो भाई हमारे। मनु मिसिंग है, मनस भी नहीं है, हेतवी नहीं है, और पूजा भी नहीं है। पाव भाजी इज रेडी। मैं अभी पाव भाजी खाने ही बैठ रहा था तब से मैडम ने हमको एक वर्ड बोल दिया। क्या बोली नायरा? चाचू ब्लॉग लो ना।
ब्लॉग लोना ऊपर चढ़िए ब्लॉग लोना बाय बाय ठीक है एक नंबर बाबा जी बनी मस्त ना और अभी सबका खाना हो चुका है अभी सब लोग ना बातें करने के लिए बैठे हैं सब लोग कैसा लगा सबको खाना बच्चा लोग अच्छा लगा बहुत बहुत अच्छा मजा आया डेकोरेशन बहुत मस्त था ओह थैंक यू अखिल भैया पूजा भाभी कुणाल भैया शिवानी भाभी थैंक यू हमने ये सब आप लोग के लिए अर्गेनाइज किया था आपके लिए आए टाइम निकाल के वेलकम तालियां भाई तालियां और है ना सबको फूल दे रहा हूँ मैं और बाद में ले रहा हूँ क्योंकि ये ना नायरा यार तोड़ रही है फूल और उसको हाथ में कुछ काटे वाटे लग गए तो लेने के देने हो जाएंगे oh my God. मुझे नहीं तू अभी खाएगी खाना मैं खाना खा के आई नहीं नहीं पता था ना आज की अभी तो मैं नहीं सुनूंगी तूने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लिया आइसक्रीम तो लेना ही पड़ेगा और अभी सबको हमारे तब से एक छोटा सा तोहफा लाया 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 चलो थैंक यू सो मच आप सब लोग आए बहुत अच्छा लगा थैंक यू ग्लैडिएटर को इतना बड़ा करने के लिए तो अभी सारे ट्रेनर्स चले गए अखिल भैया चांदनी संगीत वालों के घर गए डांस सिखाने 14 तारीख को हमारा एक संगीत है तो उसके लिए चांदनी गई है और अखिल भैया उसको छोड़ के डांस क्लास जाने वाले थे क्योंकि एक क्लाइंट आने वाले थे संगीत की मीटिंग के लिए तो अभी बज रहे रात के 11:15 आज का ब्लॉग हम लोग इधर ही एंड करते हैं थैंक यू सो मच ऐसे हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर गुड नाइट